चैप्टर नंबर 7 सेशन नंबर 2। पहले सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था और एग्जांपल नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। पुनः एक बार एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाए सभी बच्चे। एग्जांपल नंबर 4, एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। बनाइए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बताइए। हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं और एक बिंदु दे रखा है एक्स वाई, तो हमको क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू बी पी एक बार हमको निकाल के दोनों को बराबर रख देना है। निकालिए, एक्स माइनस 7 स्क्वायर वाई माइनस 1 ये पहले वाला, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 5। फिर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है लिखिए। उसके बाद जब ये अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जरा खोलिए, x माइनस 7 होल स्क्वायर खोल दिया, y माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 5 होल स्क्वायर, सबको आता है होल स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखो कौन कौन सी चीज आपस में कट रही है, चाहे तो इधर पक्षांतरण करके भी काट सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी सेम निशान है ना, दोनों तरफ प्लस प्लस है इसलिए कट रहा है, माइनस होता तो नहीं कटता, ध्यान रखना। अब जरा अपन ने फिर पक्षांतरण किया, एक्स एक्स को इधर लिया है, वाई वाई को लिया है और सारी संख्याओं को भी इधर लिया है, क्या बचा बच्चों, माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16। अब इसमें क्या करें अपन, जरा माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं क्या। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा रिलेशन आ गया। कोई क्वेश्चन का आंसर भी यही है ना, यही आंसर है, ओके बहुत अच्छा, सभी ने कर लिया, धीरे धीरे चल रहे हैं। सीधे आ जाइए उदाहरण नंबर 5 पर। क्या कहता है उदाहरण नंबर 5, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। कौन सा अक्ष पर है, कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो लिखो 0y, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 0y वह संभावित बिंदु है। अब 0y से अपन को वही फॉर्मूला लगाकर दोनों जो है दूरियां का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों बराबर लिख दीजिए, काम हो जाना चाहिए। देखिए जरा 0y, तो पहले इसको आपस में इसकी डिस्टेंस निकालो, 6 माइनस 0 वाई माइनस वाई, ये माइनस 4 माइनस 0 3 माइनस वाई, जरा खोला इसको तो ये तो बन गया 36, इसको होल स्क्वायर खोल लिया ये बन गया 16, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्या बचा जल्दी बताओ, सभी बच्चे सॉल्व करो मेरे साथ। सारे प्रश्न बहुत ईजी हैं लेकिन सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पक्षांतरण करना है सब करिए, इधर ये मैंने अचर राशि ये वाई वाई इधर ले लिया, 4y इज इक्वल टू 36 और y बराबर आ गया 9, तो मेरे पॉइंट के निर्देशांक आ गए 0 और 9। कभी आपने x एक्सिस y एक्सिस पूछे, अभी y एक्सिस पूछा था तो x इज इक्वल टू 0 था, जब x एक्सिस पे कोई बिंदु होता तो अपन उसको y बराबर 0 लिखते। हो गया उत्तर, आ गया क्या, जांच भी करना है तो कर लो, अगर आपको डाउट लगे मैंने सही किया कि गलत किया तो जांच कर लो। चलिए प्रश्नावली 7.1 के लिए तैयार हो जाइए, एक बार वीडियो पॉज करोगे सब बच्चे और सारे क्वेश्चंस प्रश्नावली 7.1 के धड़ाधड़ अपनी रफ कॉपी में एंस करके उसका आंसर चेक करो, सभी बच्चे करो और उसके बाद मेरा वीडियो रन करो, ओके।
प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन के अंदर दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी ए बी हमने मान लिया, तो 2-4 x1-x2 y1-y2 किया, ये बन गया 2 का स्क्वायर, ये भी बन गया 2 का स्क्वायर, 4+4 8 आ गया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, क्यों लिख सकता हूँ मालूम तो है कि नहीं, बार बार बताना पड़ता है। इसको लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 4 बार आ जाएगा अंडर रूट से, तो 2 रह जाएगा अंदर 2√2। क्लियर बिंदु नंबर, ये क्वेश्चन नंबर दो इसी का करिए। ए का मान दे रखा है -5 और 7, माइनस प्लस का ध्यान रखना सभी बच्चे करो, ये माइनस प्लस की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है ये। तो x1-x2 -5 -1 को मैंने यहाँ प्लस लिख दिया है, क्योंकि ये हो रहा था -5 और -1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -5 + 1। सभी ने किया था ये सही, गलती तो नहीं की किसी ने। और ये हो गया 7-3, ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस ही बनेगा, तो 16, ये भी 16, उत्तर आ गया 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 2, लिख सकता हूँ क्या, तो ये बन जाएगा 4√2। आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें ए बी और माइनस ए बी दे रखा है, तो यहां पर x1-x2, तो a माइनस माइनस ए, तो क्या बन गया a प्लस ए, ये बन गया b माइनस बी होना चाहिए ना, क्या हुआ ये, नाउ इस शुड बी यहां माइनस बी होना चाहिए, गलती है क्या उत्तर को निकालने में, यस देखो देखो क्वेश्चन उतारने में कैसे गलती हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। ये था माइनस ए और माइनस बी था, तो यहाँ इसको माइनस करना, तो ये बन जाएगा बी प्लस बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2b का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4a² + 4b² 4 को कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, आंसर क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, सभी को आ गया, ये भी बहुत ईजी है, मजा आ रहा है आज तो, वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू करिए, बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन ने ये अनुच्छेद 7.2 के अंदर एग्जाम्पल था, ये बिंदु 0, 0 यानी कि मूल बिंदु से फॉर्मूला क्या था, x1-y1, तो या x1-x2, तो एक तो 0 आ रहा है, तो सीधा x² + y² कर दीजिए, 36² + 15² कर दीजिए, आ जाइए, ये बन गया 36² + 15² 36 का स्क्वायर करिए, 36 × 36 करो 1296, 15 × 15 सबको याद होना चाहिए 225, 25 × 25 625, 15 × 15 225, दोनों को जोड़ लिया, इसका वर्गमूल निकालिए, ये उत्तर आएगा ए बी बराबर 39। इजी क्वेश्चन नंबर थ्री करें, निर्धारित कीजिए कि दो या तीन बिंदु दे रखे हैं, ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, यानी एक रेखा में, क्या नियम है एक रेखा में का, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए। मान लिया रेखा कौन सी है, ये रेखा है, ये मान लो ए बिंदु है, ये मान लो बी बिंदु है, ये मान लो सी बिंदु है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर यदि ए सी हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये एक रेखा में है। सबसे पहले ए बी निकाला, √5 बी सी निकाला, निकालो बी सी, हाँ -2 ये प्लस बन रहा है, ये ध्यान रखना तुम लोग, गलती मत करना, 16² + 14² खोला, ये आ गया 212 √, और सी ए बी हमने निकाला तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 9 + 16 का स्क्वायर या 9 + 2 = 56, 265, अब ये तो बराबर नहीं आ रहा है, √5 आ रहा है क्या,
अंडर रूट 5 प्लस बी सी कितना है, अंडर रूट 212 बराबर अंडर रूट 265 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉल्व करके देखो तो भी नहीं आ रहा है, साफ दिख रहा है तो बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, जांच कीजिए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु यानी दो रेखा समान आनी चाहिए, तीनों की डिस्टेंस निकालिए, ये मेरा समद्विबाहु मान लिया, ये मैंने इसको एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु लिख लिया। पहले आप भी चित्र बना लीजिए, फोटो बनाने से इजी रहता है। ए बी बराबर करिए 5 - 6 - 2 - 4, ये बन गया तुम्हारा -6 का स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर, तो 1 + 36 = 37। बी सी किया, ये भी 37, और सी ए किया, सभी बच्चे करो, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, और ये -2 + 2 0 हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 7 - 2 का स्क्वायर तो 4 होना चाहिए, ये तो 2 आना चाहिए ना, 7 - 5 तो 2 का स्क्वायर तो 4 आना चाहिए, ये अंडर रूट 2 नहीं, ये आना चाहिए 2। तो दो रेखाएं तो समान है ना भाई, ए बी बराबर तो बी सी आ रहा है ना, तो हमारा जो त्रिभुज है वो ए बी बराबर बी सी आने की वजह से समद्विबाहु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। किसी रेखा कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, अच्छा भैया ये 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठा है एक दोस्त, यहाँ बैठा है दूसरा दोस्त, यहाँ बैठा है तीसरा दोस्त, यहाँ बैठा है चौथा दोस्त, तो क्या कह रहा है, चंपा और चमेली अंदर जाती है तो कहती है चंपा तुमने देखा कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानती, चमेली ने कहा मैं तो नहीं मानती, तो कैसे पता चलेगा कि वर्ग में है, तो अब क्या करोगे, ए बी सी डी के सबसे पहले निर्देशांक बताओ बच्चों, ए क्या हो गया 3 और 4 सही है, डी बताओ डी का है 6 और 1, सी का कितना है 9 और 4, निर्देशांक निकालना आता है, एक्स का ये वैल्यू आ रही है 6 और 7, चारों निर्देशांक पहले निकाल लो, जब चारों निर्देशांक आ जाएंगे तो हमारे को ए बी बी सी सी डी और डी ए का दूरी निकालेंगे और इनका विकर्ण भी निकालेंगे। ए बी बराबर करो अंडर 18 3√2 आया, बी सी करिए 3√2 आया, सी डी बराबर करो, ए डी बराबर करो, जरा करके देखो सभी बच्चे, करो सी डी बराबर, चलो मेरे साथ करना है क्या, सी बराबर आ रहा है 9 और 4, तो सी तो है 9 and 4 और डी आ रहा है 6 और 1, चलो निकालें फॉर्मूले में, 9 - 6 डायरेक्ट लिखूं, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर बराबर ये हो रहा है तुम्हारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी वापस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 का मतलब है 9 × 2 यानी कि 3√2। यस, ए बी बी सी सी डी डी ए, देखो अब एक निकलेगा, फिर आप क्या निकालना, विकर्ण बी डी और ए सी भी निकालना, जब बी डी और ए सी आएंगे वो दोनों जब सेम आ जाए तो चारों भुजाएं और विकर्ण यदि समान हैं, अतः ये एक वर्ग में चारों बच्चे बैठे हुए हैं, उत्तर आ गया। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, कर लोगे परीक्षा में, 4 भुजा निकाल लोगे, सभी निकाली, अभी कैलकुलेशन में गलती नहीं हो जाए, होनी चाहिए, इसलिए सभी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। वाह भाई वाह,
अब हमारे पास ये तीन क्वेश्चन है, इन चारों जो चार चार मतलब इसमें बिंदु हैं उसमें चतुर्भुज बन रहा है। अब वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज, निकाल सकते हो कितने प्रकार के चतुर्भुज के नाम लिए मैंने, वापस बोलो। सबसे पहला तो चतुर्भुज जो मतलब जिसके सारे चारों भुजाएं समान नहीं हो, समांतर भी नहीं हो। दूसरा समलंब चतुर्भुज, दो भुजाएं समांतर। तीसरा सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं समांतर और बराबर हो। समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाएं समांतर, दोनों भुजाएं जिसकी दो दो भुजाएं समांतर हो। और वर्ग और आयत। चलिए क्या निकलता देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया ए बी सी डी निकाला, जरा लिख दिया इसको ए बी सी डी, ए बी टू रूट टू, बी सी टू रूट टू, सी डी टू रूट टू, फिर डी ए वो भी टू रूट टू, फिर उसका विकर्ण चार, फिर दूसरा विकर्ण चार। ओहो क्या बात है, पहले वाला तो भाई वर्ग है। सभी बच्चे निकालिए ए बी, जरा करो कैलकुलेशन, करो 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 जल्दी, गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा, वन प्लस वन, गलती मत करना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। सी डी टू प्लस टू स्क्वायर फॉर एट, बिल्कुल सही है। डी ए माइनस माइनस का बहुत चक्कर है इसमें, गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस थ्री प्लस वन, और ये रह गया केवल टू का स्क्वायर। फिर निकालो ए सी माइनस वन प्लस वन, तो ये तो वहीं कट रहा, जीरो हो गया। फिर ये माइनस टू और ये हो गया प्लस का टू, नहीं गलती क्यों हो रही है, माइनस वन प्लस वन ठीक है, और ये हो गया माइनस का फोर, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया चार का स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सही है। ये वापस चार का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। सभी मिल गया, सभी को आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे वाले चारों बिंदु पे आ जाओ, जरा फटाफट निकालो। ए बी बराबर अंडर रूट 52, बी सी बराबर नहीं आ रहा है, सी डी ये भी नहीं आ रहा है, डी ए ये भी नहीं आ रहा है, तो ये तो चारों बराबर नहीं है। तो ये कौन सा है, सिंपल सामान्य चतुर्भुज है, ये सामान्य चतुर्भुज है। चारों भुजाएं इसमें से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो, बिंदु निकालिए जल्दी जल्दी, सी डी डी ए चारों भुजाएं निकालिए। कोई भी बच्चा बैठा नहीं रहेगा, और जिसने कर लिया है वो क्वेश्चन क्रमांक तीन पर आएगा। ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेगा। ए बी अंडर रूट 10, बी सी अंडर रूट 18, सी डी अंडर रूट 10। ओहो दो भुजाएं मिल रही है, आमने सामने की दो भुजाएं समान हो रही है, आमने सामने की दोनों भुजाएं समान हो रही है। क्या ये आयत है क्या? अब जरा एक बार अपन डायगोनल चेक करते हैं कि अगर डायगोनल, ये तो हो गया, अब डायगोनल लिया विकर्ण, विकर्ण दोनों के अलग अलग आए, अतः ये वर्ग तो नहीं है, लेकिन ये है समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? आमने सामने की दोनों भुजाएं समान है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर होता तो शायद आयत होता। भुजाएं तो दो दो बराबर है, और विकर्ण भी बराबर होते तो क्या होता? आयत। अभी विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा तो करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके सभी लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस दोनों बिंदुओं से सम दूरस्त हो। एक्स अक्ष पर वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स और जीरो क्या है निर्देशांक? एक्स अक्ष पर वाई जीरो। चलो निकालो फार्मूला।
एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई निर्देशांक जीरो है। निकालिए एओ बराबर ओ बी कीजिए। एओ निकालिए सबसे पहले, 2 - x - 5 - 0 ये आ गया। ओ बी निकालिए, x+2 ये आ गया। दोनों को बराबर रख दीजिए, रख दीजिए, रखा। लिखो वर्ग, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दिया, और दोनों को उसको इनको सॉल्व करना है। खोलिए होल स्क्वायर, खोल दीजिए, खोल दीजिए। x² से x² कट गया, -4x - 4 इधर आ गया, 85 उधर है, और इधर -210 चला गया, तो -8x = +56। अच्छा, तो इसलिए x बराबर आएगा -7। उत्तर क्या आया? निर्देशांक -7 और 0। सभी को आ गया क्या? अच्छा है क्वेश्चन, गलती नहीं करोगे। वाई एक्स पर एक्स जीरो है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आ जाइए सभी बच्चे। वाई का वह मान ज्ञात कीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, ठीक है भैया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बस फॉर्मूले में डालिए और दूरी 10 लिख दीजिए, फॉर्मूले इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ये मैंने कर दिया, ये मेरे पास P बिंदु, ये मेरे पास Q बिंदु, 10 बराबर, ये फॉर्मूला -3 - y। यस, यहाँ आ गया भैया पी क्यू बराबर, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये 100 आ गया। अब यही चीज सीखने की है, लिखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये बन गया 100। अब दोनों वर्गमूल हट गया, ये माइनस था, मैंने माइनस बाहर लिया तो अंदर तो रह गया 3 + y² और ये माइनस बाहर रह के भी प्लस हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस भी स्क्वायर के अंदर है ना, इसलिए बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये मेरा एक इक्वेशन, यहां तक मैं पहुंच गया। सभी बच्चे यहां तक पहुंचे क्या? करिए सॉल्व, केवल सॉल्विंग की टेक्निक है, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, करिए। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। ये हो गया 68 का स्क्वायर, 64 + 9 + 6। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो y² + 6y - 27, एक हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। 100 में से अपन ने घटा लिया दिस, तो ठीक है। अब मैंने 9 * 3 = 27, ठीक है, 9 * 3 = 27 में टुकड़े कर दिए। करो इसके गुणनखंड करो, ये गुणनखंड किया y - 3 y + 9, तो y बराबर आया 3 और y बराबर आया 9। तो अब मेरे पास क्या आ गया? y की वैल्यू मुझे निकालनी थी ना इसमें, तो y का मान, तो y के दो मान आए, क्या लिखोगे? y बराबर 3 एंड y बराबर -9, दोनों आंसर है, दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। यदि Q बिंदुओं P और R से सम दूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए और Q R और P R की वैल्यू भी निकाल दीजिए। बहुत आसान है, हाँ, Q इन दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ है तो P R बनाओ, बीच में Q लगाओ, पहले काम तो ये करो, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये मैंने लगा P, ये मैंने लगा R, और ये बीच में लगा दिया मैंने Q। मुझे दिया हुआ है PQ बराबर QR, करिए सॉल्व, बस कुछ भी नहीं है, लगाइए इक्वेशन, दोनों तरफ वर्ग करिए, सॉल्व करिए। ये आ गया 25 + 16, ये आ गया x² + 25, 25 से 25 कट रहा, x² = 16, सीधा आ गया x = ±4। तो यहां R जो हो सकता है 4 और 6 भी हो सकता है और -4 और 6 भी हो सकता है, दो आगे आगे। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये? QR और PR निकालिए। चलो अब मेरे पास निर्देशांक ये आ गए, एक बार R की वैल्यू ये, एक बार ये है। अब मैंने R को माना पहले वाला 4 और 6,
क्यू आर निकालो, क्यू आर बराबर अंडर रूट 41 और पी आर बराबर अंडर रूट 82। करो देखे आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। फिर वापस r बराबर -4 और 6 रखो, qr बराबर वापस अंडर रूट 41 और pr बराबर अंडर रूट 162। इसको लिख सकते हो 81 गुणा 2, तो ये बन जाएगा 9√2। जरा वापस से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ये मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस फोर, निर्देशांक क्या आ गए, एक बार तो आगे 4 और 6, एक बार आगे -4 और 6, दोनों का ऐसा चित्र बना लिया। फिर 4 और 6 रखने पर क्यू आर बराबर निकाला -41, पी आर बराबर आ गया अंडर रूट 82 और यहाँ पर -4, 6 रखने पर क्यू आर बराबर अंडर रूट 41 और पी आर बराबर आ गया √162 को, जिसको मैंने लिख दिया 9√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, गलती होने की संभावना है अगर आपने इसको ढंग से क्वेश्चन को समझा नहीं और कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से अगर आपने नहीं किया तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। वापस वही काम करिए, ये मैंने बनाई इक्वेशन, लाइन बनाई, ये मैंने रखा ए, ये मैंने रखा बी और ये मेरा पी बिंदु एक्स वाई। ठीक है, क्या करना है, पी ए बराबर पी बी रखिए फॉर्मूले में, 3 - x² ये सब करिए, x + 3y+ कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल हटा दीजिए इन दोनों को, अब वर्ग इसको जो है होल स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोला, x² से x² कटा, y² से y² कट गया, वापस सिंप्लीफाई किया, करो करिए, सारे मैथमेटिक्स में यही कला है और कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा इसको कठिन मानता है, कठिन कुछ भी नहीं है। यहां पर पहुंच गए, यहां पर मेरे को लगा कि 4 कॉमन, -4 का कॉमन हो सकता है, तो मेरे पास जब मैंने 4 कॉमन लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 3x - y + 5 = 0। ये मेरा रिलेशनशिप आ गया, अगर x और y का निर्देशांक दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो तो। वापस देखने की आवश्यकता है क्या, देख लीजिए, देख लीजिए सभी, दोनों तरफ वर्क किया, इसको स्क्वायर खोला, x² y² आपस में कट गए, इसको जरा अपन इधर उधर किया, सिंप्लीफाई किया, -4 कॉमन लगा के सिंप्लीफाई कर दिया उसको, तो ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर, प्रश्नावली कौन सी 7.1 हो गई। चलिए अगला शुरू करते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, यह कह रहा है कि मान लिया कोई रेखा है, कोई रेखा को कोई बिंदु, ये मान लिया ए है, ये बी है, ये पी है, और इसको M1/M2 यानी कि कोई दो हिस्सों में उसको विभाजित करता है रेशियो अनुपात में, M1/M2 के अनुपात में किसी रेखा को हम विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने वाला बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या होगा, ये इसका पूरा अगला चैप्टर है। क्या है ये, कि ये मान लिया यहाँ एक्स वाई दे रखा है, हैं, और यहाँ पर इसमें कहा कि भाई ये जो ए है, ये बी है, यह M1/M2 है, और दोनों का जो अनुपात है ना बच्चों, ये कह रहा है कि PA/PB इज इक्वल टू M1/M2 है, ऐसा इसने दिया है, तो अपने को x और y का
निर्देशांक निकालना है। फॉर्मूला याद करेंगे, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन करेंगे। याद करें कैसे करना है याद फॉर्मूले को। आ जाओ, अगर m1 upon m2 के अनुपात में विभाजित कर दो, x x का निर्देशांक क्या होगा, m1 m1 x2 plus m2 x1, नीचे m1 plus m2, y के लिए m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। बोलो सरल है कि नहीं है, सबको याद हो गया। x का बोलो m1 x2 plus m2 y1, m1 x2 plus m2 x1, और नीचे आएगा m1 plus m2। y के लिए m1 y2 plus m2 y1 divide by m1 plus m2। अगर ये तो रेशियो था m1 upon m2 का, अगर मान लिया रेशियो के अनुपात एक होता तो कुछ नहीं करना है, बस m2 की जगह 1 लिख देना है, और दोनों समान होते तो अगर m1 और m2 दोनों जो है बीच का बिंदु होता तो m1 m1 सब 1 कर दो, तो x बराबर x1 plus x2, y बराबर y1 plus y2। आया क्या सभी को समझ में? बच्चों ये मेरे फॉर्मूला समझ में आ गया, फिर k वाला फॉर्मूला आ गया, कुछ भी नहीं है, m1 की जगह तो k रखा, m2 की जगह 1 रख दिया, और दोनों अगर 1 1 है तो तीन फॉर्मूले आ गए, इजी, बहुत इजी चैप्टर है ना, मस्त क्वेश्चन है, मस्त मस्त सिंपल फॉर्मूले हैं। उदाहरण नंबर 6 आ जाओ, थोड़ा तेज करना पड़ेगा, सभी बच्चे रुको मत, रुको मत। उदाहरण नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता हो। क्वेश्चन करने से बहुत जल्दी समझ में आता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चंस करने में बहुत अच्छा फास्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास x1 x2 है, x1 y1, ये x2 y2 है, और ये अपन m1 और m2 है। ठीक है, चलूं मैं आगे। ये एग्जांपल, ये मेरे पास दो निर्देशांक, ये m1 upon m2, 3 लिख करो फॉर्मूला, x बराबर m1 x2, m1 x2 plus m2 y x1, m2 m1 x2 plus m2 x1 और m1 plus m2। ये आ गया मेरे 24 प्लस 4 बटा 4, 28 प्लस 4 बराबर x बराबर आ गया 7, y m1 3, y2 5, m2 1 और ये माइनस 3 और m1 प्लस m2। जरा सॉल्व करो इसको, 12 बटा 4 उत्तर आ गया 7 और 3। जरा देखो आया क्या, आ गया यस। सभी करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व, एग्जांपल को सॉल्व करो। उदाहरण नंबर 7 करो, उदाहरण नंबर 7, बिंदु दे रखा है दोनों बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको एक बिंदु दे रखा है, कौन सा एक बिंदु दे रखा है, मान लिया ये एक रेखा है और यहाँ पर निर्देशांक A है, ये B है, ये मेरा कोई बिंदु ये है और एक्स वाई मेरा बिंदु है, और ये बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -4 और 6। ठीक है, और ये कह रहा है m1 upon m2 में उसको विभाजित करता है। जरा निकालो वैल्यू m1 और upon m2 की, सबसे पहले x वाला,
एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और एम टू, जिसको इसको कैंची गुणा करिए ज़रा, इक्वेशन कौन सी आई ज़रा सॉल्व करो, एम वन को इधर लाओ माइनस चार माइनस तीन माइनस सात और ये उधर जाएगा तो माइनस का टू, तो एम वन अपॉन एम टू मेरे पास आ गया 2/7। आया क्या सभी बच्चे, देखो जरा x की वैल्यू दे रखी है m1 वन अपॉन एम टू, एम वन एम टू निकालना है दोनों का, इस प्रकार से फॉर्मूला आया मैंने m1 वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू टू अपॉन सेवन लिखा। सबके आया क्या बिना देखे, बिना बुक के सपोर्ट लिए आया क्या? तो आ गया, बस सीधा उत्तर ही आ गया। इसलिए अब अपने पास ये अनुपात आ गया कि m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। देखो क्या आया, आ गया क्या? और इसको चेक करना हो तो y निर्देशांक के लिए भी चेक कर लो, अगर ये y निर्देशांक 6 आ रहा है तो ठीक है, अगर चेक करना हो तो नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये वैकल्पिक तरीका है, इसको m1 अपॉन m2 के अनुपात एक मानो, पर अपने तो m1 m2 का तरीका ज्यादा अच्छा है। आप करना चाहो तो ये भी करके देखो है बच्चों, और उत्तर भी आ गया। अब ये उदाहरण नंबर 8, 9 और 10, तीन उदाहरण और प्रश्नावली 7.2 के सारे सवाल मैं अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 मेरी अगली क्लास में आने से पहले एडवांस में आप सब प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है? और फिर मैं प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करके आना है, ताकि अपना ये पूरा जो टॉपिक है ना विभाजन वाला, ये भी पूरा हो जाए। तो आज तक अपन ने जो पढ़ा है इस क्लास तक, वो सभी अपने को वापस से रिवीजन कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, और जब आपको पूरा समझ में आ जाए सारे क्वेश्चंस को आपकी फेयर कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में लिख लेना है बहुत अच्छे से। ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आइए पूरी तैयारी के साथ।